नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग क्रॉनिकल में। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। तो दोस्तों, ये नए पैटर्न का पज़ल है और जैसा कि आप लोगों ने पहले भी देखा होगा कि कई नए प्रकार के पज़ल आप लोगों को आजकल देखने को मिलते हैं। IBPS PO, SBI PO, IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क, ये सब जितने भी पेपर होते हैं आजकल IBPS जो कंडक्ट करवाता है, सारे ही पेपर कंडक्ट करवाता है IBPS, तो सब में ही नए पैटर्न के क्वेश्चंस आने लगे हैं आजकल। तो आप लोगों को भी अब नए पैटर्न के क्वेश्चंस को बनाना सीखना पड़ेगा, जिससे कि आप लोग भी एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो चलिए, वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए। और अगर आप लोग रियल एग्ज़ाम लेवल के मॉक टेस्ट देना चाहते हैं दोस्तों, तो bankingchronicle.mocktest.com पर जाकर आप लोग दे सकते हैं। नीचे लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों ने अभी तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके। और चलिए स्टार्ट करते हैं, जिनसे नहीं बना तो देख लीजिए कि कैसे बनाना था हमको इस क्वेश्चन को। देखिए, अप्रोच आपकी बहुत सही होनी चाहिए। अगर सही अप्रोच आप फॉलो करेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पर बोला 8% सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल हुज रेडियस इज 30 बाय π मीटर। अब देखिए, एक सर्कल, इसका सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2πr, ठीक है। तो r की वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं, रेडियस आपको दिया हुआ है 30 बाय π, तो 2π 30 बाय π, तो पाई और पाई कट गया, 2 × 30 यानी कि 60 मीटर। ये आपका पूरा सर्कल का आपको डिस्टेंस पता चल गया कि ये 60 मीटर है सर्कमफ्रेंस, ठीक है। आगे बोल रहा है, डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द एडजेसेंट पर्संस इज एन इंटीजर, इंटीजर है, कोई भी पॉइंट में नहीं आएगा। एंड डिफरेंट, डिफरेंट मतलब कि सब अलग अलग होंगे, कोई भी आपको डिस्टेंस सेम नहीं दिखना चाहिए। एंड इज़ लेस देन 12 मीटर, और 12 मीटर से कम है, यानी कि 11 हो सकता है, 10 हो सकता है, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 हो सकता है, पर 12 नहीं हो सकता और 12 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ईच ऑफ द पर्सन फेस आउटसाइड द सेंटर ऑफ द टेबल, जितने भी पर्सन है वो सबके सब बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं। चलो हम यहाँ पर ऐसे पार्टीशन बना लेते हैं, ये इक्वल नहीं है ना, ये सब डिफरेंट है, बट हमने बनाया है इक्वल जैसा, तो देख के भले इक्वल लग रहा होगा आपको, ये सारे जो ये जो पोर्शन हैं ये इक्वल लग रहे हैं, लेकिन ये इक्वल है नहीं, सबका डिस्टेंस अलग अलग है, तो वो हम मैंशन कर देंगे। ऑल द डिस्टेंसेज आर कंसिडर्ड ओनली ऑन सर्कमफ्रेंस, जितने भी डिस्टेंस है ये सिर्फ सर्कमफ्रेंस पर ही काउंट होंगे, ठीक है। अब आपको बोल रहा है, ई सीट से सेकंड टू राइट ऑफ डी, ई जो है वो डी के सेकंड टू राइट में बैठता है, तो चलो यहाँ पर बना लेते हैं हम डी को, ये बाहर की तरफ देख रहा है, ई इसके सेकंड टू राइट में आएगा यहाँ पर, ऐसा, ठीक है, ये हो गया आपका। अब बोल रहा है, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 15 मीटर, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये 15 मीटर है, यहाँ पर लिख लेते हैं 15 मीटर, ठीक है। आगे बोल रहा है, एफ सीट्स ऑपोजिट टू डी, एफ जो है वो डी के ऑपोजिट बैठता है, मतलब एफ यहाँ पर आ जाएगा ऐसा, बाहर की तरफ फेस कर रहा है। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ को समझने की कोशिश करिए, अगर ये दोनों आमने सामने बैठे हैं ऐसा, मतलब ये सर्कल को हाफ में डिवाइड कर रहे हैं, भाई इस तरफ भी हाफ हो गया, इस तरफ भी हाफ हो गया, तो पूरा पूरा 30 और 30 में ये डिवाइड हो जाएगा ना, ये कॉमन सेंस की बात है भाई। इसको आप खुद सोचो कि जब एक सर्कल पूरा 60 मीटर का है और उसमें डी और एफ आमने सामने बैठे हैं, मतलब कि वो सर्कल को पूरा हाफ में डिवाइड कर रहे हैं, आप इस सर्कल में, ये वाले सर्कल में देखो, आप आमने सामने ऐसा नहीं बोल सकते ना कि एफ यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, ये दोनों आमने सामने, ऐसा तो नहीं बोल सकते। आप तभी बोलोगे जब ये दोनों ऐसे आमने सामने बैठेंगे तो सर्कल तो हाफ में डिवाइड हो जाएगा ना। आप इसको ऐसा भी नहीं बोल सकते कि ये आमने सामने है, ये आमने सामने नहीं होता, ये होता है। तो इस हिसाब से क्या हो गया, ये आपका 30 मीटर हो गया और इधर भी 30 होना चाहिए, तो 30 में ये तो 15 हमने ऑलरेडी लिया हुआ है डी और ई के बीच में, ये वाला भी आपका 15 मीटर हो जाएगा, ठीक है। आगे बोल रहा है, बी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एफ, एफ के इमीडिएट राइट में बी बैठता है, मतलब यहाँ पर बैठेगा बी। आगे बोल रहा है, एंड थर्ड टू राइट ऑफ ई, और ई के थर्ड टू राइट में तो दिख रहा है हमको, ई यहाँ पर बाहर की तरफ देख रहा है, इसके थर्ड टू राइट में बी आ गया। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड बी इज एटलीस्ट 5 मीटर एंड इज 2 मीटर लेस देन डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड द पर्सन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट टू हिम। ये लाइन जो है थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग है, ध्यान से पढ़िए इसको, क्या बोल रहा है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड बी, एफ और बी के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब कि ये वाला पोर्शन, तो ये जो है ये कितना है बोल रहा है, इज एटलीस्ट 5 मीटर, ये एटलीस्ट 5 मीटर होना चाहिए, ठीक है। एंड इज 2 मीटर लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड द पर्सन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट टू हिम, तो एफ के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है पर्सन, ये वाला पर्सन है, तो इस वाले पर्सन से 2 माइनस है, तो आप क्या बोल सकते हो, अगर ये वाला पोर्शन एक्स है तो ये एक्स माइनस 2 होगा, और एटलीस्ट 5 होना चाहिए, मतलब 5 से कम नहीं हो सकता ये, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ गए होगे, फिर से एक बार समझा देता हूँ, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड बी। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है दोस्तों, देखिए ये बी और एफ का ये शॉर्टेस्ट है ना, अगर एफ से मैं इस तरफ से घूम जाऊँ पूरा उल्टे तरफ से, अगर मैं घूम जाऊँ पूरा एंटी क्लॉक में, तो वो तो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस हो गया, शॉर्टेस्ट तो मतलब यही था, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये एटलीस्ट 5 मीटर होना ही चाहिए, मतलब 5 से कम नहीं हो सकता। और दूसरी बात बोल रहा है, एंड इज 2 मीटर लेस देन,
किससे दो मीटर लेस किससे है, डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड द पर्सन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हिम, मतलब एफ के इमीडिएट लेफ्ट में ये जो पर्सन बैठा है यहाँ पर, इसको अगर हम एक्स डिस्टेंस मान लेते हैं तो इससे दो ये कम है। उम्मीद करता हूँ अब समझ में आ गया होगा। आगे बोल रहा है सी सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ बी, सी जो है वो बी के सेकंड टू राइट में बैठता है, तो चलो यहाँ पर सी को बना लेते हैं, ये सी हो गया, बाहर की तरफ देख रहा है। आगे क्या बोल रहा है, नीदर एच नॉर जी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, जी और एच जो है वो ई के राइट साइड में नहीं है, तो ई के राइट साइड में जी और एच नहीं है, मतलब कि यहाँ पर जी और एच नहीं आ सकते ऐसा, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर जी और एच नहीं आ सकते तो क्या आ जाएगा, आपके पास कौन कौन हो चुका है, देखिए सी हो चुका है, डी हो चुका है, ई हो चुका है, बी हो चुका है, एफ हो चुका है, जी और एच आ नहीं सकता तो बचा सिर्फ ए, तो ए यहाँ पर आ जाएगा ऐसा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ई एंड ए इज लेस देन 8, ई और ए का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मतलब कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो आपको दिख ही रहा है ए और ई का, ठीक है, तो ये जो है ये पोर्शन कितना है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये वाला जो पोर्शन है इसके बारे में बात कर रहा है, इज लेस देन 8 मीटर, ये 8 से कम होना चाहिए, ठीक है, तो ये 8 से कम होगा, मतलब कि ये 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 हो सकता है, यहाँ पर लिख लेते हैं 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है, इतना कुछ भी हो सकता है। आगे बोल रहा है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड एच इज 24 मीटर, ए और एच के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 24 मीटर। तो देखिए आप यहाँ पर एच को ले सकते हो क्या, ये वाले पोर्शन पे आप एच को ले सकते हो क्या, नहीं ले सकते, क्यों, देखिए यहाँ पर आप देखिए ई से ए तक ये तो 7 से कम है ना भाई, 8 से कम है मतलब 7 हो सकता है, चलो इसको अगर आप 7 मान लेते हो तो यहाँ तो आप 12 से ज़्यादा ले ही नहीं सकते, तो यहाँ तक का पोर्शन पूरा जो है ये पूरा इतना पोर्शन ये कैसे 24 हो सकता है, नहीं हो सकता ना, आपको बोल रहा है 24 मीटर, ये तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। फिर से समझा देता हूँ एक बार, देखिए ये वाला पोर्शन आपका 7 मीटर बोल रहा है, 7 मैक्स टू मैक्स 7 हो सकता है, ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है आपका ये वाला, इसको आप मैक्स टू मैक्स कितना ले सकते हो, 11 ही ले सकते हो ना, 12 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता, यहाँ पर आपको मेंशन है कि 12 से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो ये पूरा फिर 24 कैसे हो जाएगा, आपको तो पूरा शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस था इसका 24 मीटर चाहिए था ना, तो ये नहीं पॉसिबल नहीं था, ठीक है, तो पॉसिबल नहीं था तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पर एच को नहीं ले सकते, आप यहाँ पर जी को ले लो और एच को आप यहाँ पर ले लो ऐसा, तो ये आपका पूरा ये सेट हो गया, सर्कल पूरा बन चुका है, अब बस डिस्टेंस हमको सेट करना है। तो चलो डिस्टेंस के लिए आगे पढ़ते हैं, हम क्या बोल रहे हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एच एंड सी इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड एच, तो बी और एच के बीच का जो भी डिस्टेंस होगा, चलो इसको हम मान लेते हैं ये वाई है, ठीक है, यहाँ पर अंदर में लिख लेता हूँ ये वाई है, तो क्या बोल रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एच एंड सी, तो एच और सी जो है वो क्या हो जाएगा, वाई बाई टू, हाफ है बोल रहा है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एच एंड सी इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड एच, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सी एंड जी इज लेस देन 16, तो सी और जी का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक का, तो ये जो डिस्टेंस है आपका लेस देन 16 मीटर होगा, तो लेस देन 16 मतलब कि 15, 14 और समथिंग समथिंग ऐसे और आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम चीज़ों को समझने की कोशिश करिए कि आप कहाँ पर किस चीज़ को ले सकते हो, दो या तीन ही चीज़ें बची है बस आपके पास जिसको आपको लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, आप किस किस चीज़ को ले सकते हो इसको पहले समझने की कोशिश करिए। आपके पास डिस्टेंस ये दिया हुआ है कि ये 15 मीटर है, ठीक है, ये पूरा जो है ये 15 मीटर है। अब इस 15 में इधर वाला जो है ये 7 से कम होना चाहिए बोल रहा है। चलो मैं यहाँ पर पूरा अलग से लिख भी देता हूँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए और एच जो है ये आपका होना चाहिए 24, ठीक है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सी एंड जी, सी और जी का जो डिस्टेंस है ये आपका 15 से कम होना, मतलब 15 से स्टार्ट होगा, 15, 14 ऐसे करके एंड सो ऑन ये होगा। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ए से एच तक अगर आप डिस्टेंस बनाना चाहते हो तो आप क्या क्या रख सकते हो, जैसे अगर आप यहाँ पर सपोज करो कि आप यहाँ पर ये जो एक्स है, मतलब यहाँ पर देखो ये जो 7 है, यहाँ पर आप 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 रख सकते हो ना, अगर हम यहाँ पर मान लो 7 को रख देते हैं ऐसा, ये 7 को अगर हम यहाँ पर रख देते हैं तो ये वाला कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा डेफिनेटली। 8 क्यों हो जाएगा, क्योंकि अगर ये 7 है तो ये 8 होगा, तभी तो ये पूरा 15 हो पाएगा ना। चलो इसको इमेजिन करते हैं अभी सबसे हाईएस्ट वैल्यू में, हम पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं अभी, हम कन्फर्म नहीं है ना, हम पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं। अगर ये 7 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिलाकर ये 15 मीटर आपको दिखना चाहिए, ठीक है। अब ये अगर 8 हो गया x, तो x माइनस 2 यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ भी आ गई आपके पास। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, आपको और क्या चाहिए था, ये वाला पूरा डिस्टेंस अगर 15 है, मतलब ये वाला भी आपका पूरा 15 होना चाहिए, क्योंकि पूरा 30 आपको दिख रहा है, सॉरी नहीं, ये 15 नहीं होगा, माफ़ी चाहता हूँ, ये 30 नहीं होगा, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का 30 था,
ठीक है, उसको छोड़ देते हैं अभी। अब देखिए दोस्तों, एक चीज़ और हमको यहाँ पर क्या पता है कि ए और एच का जो डिस्टेंस है वो 24 है। तो ए और एच का अगर हमको 24 निकालना है शॉर्टेस्ट, तो ए और एच मतलब किस तरफ है, ये 6 और 8 हो चुका है। देखिए ये, देखिए ये जो 6 है, मैं कलर एक मिनट देख लेता हूँ, चेंज हो सकता है तो, माफ़ी चाहता हूँ एक सेकेंड, हाँ कलर चेंज हो सकता है। तो इसमें हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए आप समझने की कोशिश करिएगा, ये 8 हो गया आपका डिस्टेंस, ये 6 हो गया आपका डिस्टेंस, आपको इतना डिस्टेंस जो है ये आपको पता है 24 है। तो 8 और 6 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा ना, 8 और 6 14, 14 और 10 कितना हो गया, 24 हो गया, तो ये 10 आ गया। वाई जैसे ही आपको 10 मिला, तो वाई बाई टू मतलब कि ये 5 हो जाएगा। अब देखिए मैं और कलर चेंज कर लेता हूँ, कलर चेंज करने से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। अब देखिए ये पूरा डिस्टेंस जो है ये पूरा 30 होना चाहिए था, ये 6 हो गया, ये 10 हो गया, 16, 16 और 5 21 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, हो गया ना 9, इतना आपको पूरा 30 मिल चुका है। ये 8 हो चुका है, ये 7 हो चुका है, अब आपके पास बचा क्या है, आपके पास एक 11 बचा है और 4 बचा है, बाकी तो पूरे हो गए, 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, मतलब 11 के बाद आप देखिए 10, 9, 8, 7, 6, 5 तक हो चुका है, तो 11 और 4 यही आपके पास बच रहा है बस इसको पूरा 15 बनाने के लिए, और तो कोई दो वैल्यूज़ आप ले नहीं सकते। ठीक है, 7 भी हो चुका है, 8 भी हो चुका है, 6 भी हो चुका है, 10 भी हो चुका है, 5 भी हो चुका है, 9 भी हो चुका है, तो ये दोनों जगहों पे आपको क्या क्या चाहिए, एक चाहिए आपको 11 और एक चाहिए आपको 4। तो अब हम इसमें देख लेते हैं सी और जी वाले को। ठीक है, तो सी और जी वाले के लिए मैं फिर से एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ लास्ट, चलो ब्लैक ले लेते हैं। तो सी और जी मतलब कि यहाँ से आप देखिए ये जी तक इतना जो है ये आपको क्या चाहिए, ये आपको चाहिए 50 मतलब 16 से कम, यहाँ पर लास्ट में बोला था ना बिटवीन सी एंड जी इज़ लेस देन 16 मीटर, तो लेस देन 16 कब होगा, जब आप इसको 4 लोगे, 11 ले लोगे तो 20 हो गया ना, 9 और 11 20 हो गया, वो तो पॉसिबल नहीं है, तो 4 आप इसको ले लो, 11 आप इसको ले लो, और इसी के साथ ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों क्वेश्चन आसान होते हैं, आपकी अप्रोच बहुत अच्छी होनी चाहिए। देखिए एक ही पॉसिबिलिटी हमने 7 वाली मानी और ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अगर नहीं होता तो हम दूसरी पॉसिबिलिटी 6 वाली बना के चलते, बिल्कुल पूरा इसी तरीके से आगे बढ़ते जाते, पूरा क्वेश्चन हमारा बन जाता, पता चल जाता लास्ट में कि गलत है, क्योंकि जब 7 में सॉल्व हो चुका है तो डेफिनेटली 6 में गलत होगा, 5 में गलत होगा, 4 में गलत होगा, 3, 2, 1 सब में गलत होगा फिर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा ये सब चीज़ें, और आगे और भी वीडियोज़ मैं लेके आते रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो क्वेश्चन है ये मैंने प्लस में भी करवाया हुआ है, अगर आप लोग अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो unacademy.com पर जाकर आप लोग प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और कोड आप लोग यूज़ कर लीजिएगा बैंकिंग क्रॉनिकल, बैंकिंग क्रॉनिकल, तो इससे आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये दोस्तों जो क्लासेस होती हैं ये 60 आवर्स की, मैं वहाँ पर क्लासेस लेता हूँ हर महीने की, आप हर महीने 60 घंटे की क्लास अटेंड कर सकते हैं। तो स्पेलिंग आप ध्यान से लिखिएगा BANKING CHRONICLE। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।